Hey everyone, this is CA Prerna Suneja and we are here to continue with our fourth part of chapter number one of DISA e-learning classes. We have already discussed about three parts of DISA chapter number one, and now today the fourth and the last part of DISA. This is the e-learning classes course, which is the entrance course of our DISA series, which is for our chartered accountants and is a post-qualification course after CA. Now, let us start with this. Yes, the chapter is hardware and software deployment strategies. So, सबसे पहले before going to the chapter, हम समझते हैं deployment का मतलब क्या होता है. Deployment मतलब अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो हमने chapter पढ़ा था, उसमें हमने computer hardwares के बारे में देखा था, softwares के बारे में देखा था. तो अब जब हमने उसमें हमने देखा था कि हमें कौन से जो hardwares हैं उसको परचेज करना चाहिए या कौन से सॉफ्टवेयर्स को परचेज करना है या बनवाना है अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके. तो वो चीज़ें देखने के बाद अब व्हेन वी आर रेडी कि हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए एज पर आर बिजनेस गाइडलाइंस, एज पर आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, तो उसके बाद अब हमें उसे डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय मीन्स हमें उसको इम्प्लीमेंट करवाना है. कह सकते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए फुलफिल करने के लिए उसको रन करना है. तो अब हमें उसका स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब है ऑफ डिप्लॉयमेंट. तो डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक आईटी का जो प्लान है वो बन गया कि हमें क्या प्लान चाहिए, अब उसको इम्प्लीमेंट कराने को, उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉयमेंट. After making an IT plan, it is imperative to implement the plan. The term which is more often used for this implementation is called deployment. और deployment में आपकी सारी चीज़ें cover हो जाती है. It includes installation, it includes configuration, running, testing, and necessary customizations and modifications. Because systems के केस में या फिर स्पेशली मैं कहूँगी सॉफ्टवेयर के केस में, इट इज़ वेरी मच श्योर कि वंस यू हैव अप्लाइड द सॉफ्टवेयर इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जब आप एक बार उसको रन करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद इट रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशंस, बिकॉज तब आप उससे एक्चुअल ऑन बिजनेस जो आपकी रियल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आप उसको समझते हैं और उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशंस करवाने होते हैं. उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास है डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज कि हम किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं. तो डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज है, वन इज अ सेंट्रलाइज अप्रोच, अनदर इज अ डिसेंट्रलाइज अप्रोच. सेंट्रलाइज अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा मेन डेटा होता है उसको हम एक जगह स्टोर करते हैं और उसी मेन जो सर्वर होता है उसको सर्वर बोलते हैं, जो मेन लोकेशन होती है विच इज कॉल्ड सर्वर, उसी सर्वर से हम बाकी सारे नोड्स से उस डेटा को एक्सेस करते हैं. तो ये जो आपका सेंट्रलाइज अप्रोच है उससे इट इज़ वेरी मच इजी टू ग्लोबली शेयर द डेटा. आप डेटा को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं. इन सेंट्रलाइज अप्रोच डिसीजंस आर टेकन एट द मोस्ट सीनियर और सेंट्रल लेवल. देयर इज अ सेंट्रल डेटाबेस, कंटेंट्स दैट हैज टू बी ग्लोबली शेयर्ड आर एट सेंट्रल लेवल. जितने भी आपके कंटेंट्स हैं जो आपको ग्लोबली शेयर करने होते हैं वो सारे सेंट्रल लेवल पे होते हैं. Applications are deployed on single hardware software platform. जो भी आपके applications हैं वो भी सब single hardware पे सारी save होती हैं और फिर उसके बाद उसको further जो बाकी nodes होते हैं वो उसको access करते हैं. Servers central level पे होते हैं. There is a requirement of a single middleware to connect client server at the central level. जितने भी client servers होते हैं उन जितने भी clients होते हैं उनको, यानी कि जितने भी nodes होते हैं उनको सर्वर से एक्सेस करने के लिए एक मिडलवेयर यूज करा जाता है. और इस तरीके से जो भी हमारा डेटा होता है या जो भी हमारी मेन चीजें होती हैं वो सारी एक ही जगह से सब जगह शेयर हो जाती है. और इस चीज का, इस अप्रोच का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं वो इस चीज को यूज कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपको अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग डेटा नहीं मिलता है, आपको हर ब्रांच में सेम डेटा मिलता है. और प्लस आप एटीएम में भी जाके विड्रॉ करते हैं तो उधर पे भी आपका बैलेंस अपडेटेड होता है. और आप अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो सब जगह आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है, अपडेटेड रहता है. तो दैट मीन्स दे आर यूजिंग देयर सेंट्रलाइज अप्रोच.
तो सेंट्रलाइज अप्रोच यूज करने के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, डेटा यूज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इन वन प्लेस. रिसोर्स शेयर करने में जरूरी नहीं आपको डेटा ही शेयर करना है, आप फिजिकल रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम रिसोर्स शेयरिंग ना करें, अगर हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी शेयरिंग ना हो तो इसका मतलब तो हर कंप्यूटर के लिए हमें एक नया प्रिंटर लेना पड़ जाएगा, पर दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और प्लस दिस इज नॉट ऑल्सो वेरी मच इकोनॉमिकल. तो हमें दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए क्या हमारे पास आता है पॉइंट कि हम क्या करें, शेयरिंग करें. तो शेयरिंग से क्या होता है कि वी शेयर्ड द प्रिंटर, तो उससे क्या हुआ, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन गिव कमांड टू अ सिंगल प्रिंटर ऑल्सो. तो डेटा भी शेयर कर सकते हो आप और हार्डवेयर्स भी शेयर कर सकते हो. ईजियर टू अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमने देखा, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन. सेम अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है एंड ही वेंट टू दिल्ली में किसी ब्रांच में गया, वो HDFC बैंक की, और उस HDFC बैंक में उसने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया. उसके बाद द पर्सन वेंट टू जयपुर और जयपुर में उसने HDFC बैंक में उसको एक और अकाउंट खुलवाना था, तो क्या उसको वो सारी चीज़ें जो हैं, मतलब अगर वो खुलवाना चाह रहे हैं, सपोज FD अकाउंट खुलवाना चाह रहे, तो वो डुप्लीकेशन उसको देनी पड़ेगी या उसको सारी चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी? नहीं, उसको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर बताना है, विच इज द प्राइमरी की फॉर अ बैंक. तो वो उस नंबर को बताएगा और उसका जो सारा डेटा है वो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा. तो इस तरीके से जयपुर वाले ब्रांच को सारा डेटा जो ऑलरेडी दिल्ली के पास था, जो उसने दिल्ली में सबमिट करा था, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द डेटा इज मेंटेन्ड एट अ हायर लेवल. वो पूरा ग्लोबली मेंटेन हो रहा है, तो सेंट्रली मेंटेन हो रहा है डेटा, तो डेटा डुप्लीकेशन जो है वो नहीं हुई. बेटर सिक्योरिटी, अगर सपोज ये काम कोर बैंकिंग सिस्टम्स को ही लेते हैं, अगर ये ऐसे ना हो रहा होता, और मैं दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में अगर सपोज मैं एक ब्रांच में गई और मैंने HDFC बैंक की एक ब्रांच में जाके मैंने 10,000 rupees विड्रॉ कर लिए, और इन दिल्ली इफ वी सी देन द ब्रांचेस आर वेरी नियर, 1 kilometer के अंदर ही मुझे दूसरा ब्रांच मिल जाएगा, और इनफैक्ट अगर मैं दूसरी ब्रांच में विद इन 5 minutes अगर मैं पहुंच जाती हूँ, 10 minutes पहुंच जाती हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि वहां पे वो डेटा अपडेट नहीं हुआ होता? ऐसा तो नहीं होता, वो डेटा ऑलरेडी अपडेट हुआ होता है. तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी तो अच्छा रहा कि अगर वो सिक्योरिटी ही ना होती तो डेटा क्या होता, करप्ट हो जाता, या फिर कह सकते हैं कि डेटा जो है वो सिक्योर्ड ना रहता. अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी बचत तो है ही. ऑल डाटा इज एट सेंट्रल लेवल सो दैट इट कैन बी फुली रेप्लीकेटेड फॉर हायर अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी पर्पसेस. तो जो भी डेटा है आपका वो फुली रेप्लीकेटेड है, और मतलब अगर बिकॉज सिंस योर डेटा इज अवेलेबल एट वन सिंगल प्लेस. अब जैसे इनकम टैक्स को देखते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा पूरा एक ही उस पर सारा सर्वर पर सेफ था. तो क्या हुआ, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना था, तो क्या उन्होंने, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम आई कि अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा उनको कलेक्ट करना है? नहीं आई, बिकॉज उनका डेटा जो था वो सारा एक साथ था. तो उनको जब हायर उस पर जाना था अवेलेबिलिटी, यानी कि उन्हें अपनी हायर सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी और ज़्यादा उसमें सॉफ्टवेयर में और चीज़ें इंक्लूड करनी थी, डिजास्टर रिकवरी पर्पसेस के लिए भी हेल्पफुल हुआ. तो अल्टीमेटली उनको क्या हुआ, पूरा का पूरा डाटा उन्होंने उठा के एक साथ ही चेंज करके नए सर्वर पे डाल दिया. पॉलिसी इन्फोर्समेंट्स कैन बी डन एट सेंट्रल लेवल. सिक्योरिटी लाइक पैच मैनेजमेंट, एंटीवायरस मैनेजमेंट एक्सेट्रा कैन बी डन एट सेंट्रल लेवल. तो जो भी हमारी चीजें हैं वो सारी सेंट्रल लेवल पे हो सकती हैं, वो एक चीज है. बट इस पोजिशन के, या फिर इस जो हमारी अप्रोच है, जो सेंट्रलाइज अप्रोच है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके? उसके डिसएडवांटेज हैं कि एक तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है क्योंकि सारा डेटा जो है वो सारा एक ही जगह पे सिचुएटेड है, एक ही जगह पे रखा हुआ है. तो सिंस सारा डेटा एक ही जगह पे रखा हुआ है, तो उससे क्या हुआ, उससे अगर सपोज उस डेटा में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो जो प्रॉब्लम है वो हर जगह हो जाएगी. तो एक ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है, ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वंस
अगर उस पोजीशन मतलब उस जो सर्वर है उस पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे फेल्ड है. फिर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो पूरा सर्वर है वो पूरा एक ग्लोब सॉरी ग्लोबली सिचुएटेड है, तो जो लोकल इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है. बट अगर हम हायर लेवल पे सोचें तो थोड़ा सा बेटर ही रहता है, बट ये एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है. इंक्रीज डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी, मतलब क्या हुआ है इनका कि एक जो अब जो सर्वर है जहाँ पे वो सर्वर है वहाँ पे पूरा जो जितना भी लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो सारे तो अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ उतना ही अवेलेबिलिटी होता है जितना स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, और वो सारे जो होते हैं वो हाई लेवल स्टाफ होते हैं. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ हैं वो सारे उस सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे रिलाई कर रहे हैं. अगर उस पर्टिकुलर जो सिस्टम को बंदा जो मैनेज कर रहा है अगर उस पर्सन ने उस सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है. फिर आते हैं हम डिसेंट्रलाइज अप्रोच में. डिसेंट्रलाइज अप्रोच में जो आपका डेटा है वो थोड़ा सा डेलीगेट हो गया, मतलब आपको एक जगह पे पूरा डेटा आपने नहीं रखा है, लोकलाइज कर दिया आपने डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरीके से चाहिए था. और जो आपने मिडलवेयर का भी यूज़ करा वो आपने हर सेटअप पे करा. सिमिलरली जिस तरीके से आपका सेंट्रलाइज अप्रोच में होता था कि सिंगल लेवल आपका सारा काम चलता था, इसमें वैसा नहीं चलेगा. इसमें आपका इंडिविजुअली काम चलेगा, हर सिस्टम के लिए अलग एक अप्रोच है. तो ये कहाँ पे रिलीवेंट रहता है, जहाँ पे आपका इंडिविजुअल यूजर या डिपार्टमेंट होता है. तो अगर आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम है और उस पर्टिकुलर सिस्टम को सिर्फ एक पर्सन ने यूज़ करना है या एक डिपार्टमेंट ने यूज़ करना है, देन इट इज़ बेटर टू गो विद द डिसेंट्रलाइज अप्रोच. क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके कंप्यूटराइज सिस्टम्स में हायर एक तो आपको यूसेज स्पीड बहुत है इसमें पहली बात, ठीक है. तो ग्रेटर फिट बिटवीन सिस्टम्स एंड लोकल नीड्स, जो आपके रियल नीड्स हैं आपको समझ में आता है कि हाँ उस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या नीड्स हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान. हायर यूसेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम्स, फिट लोकल नीड्स, यूजर्स आर मोटिवेटेड. फास्टर सिस्टम डेवलपमेंट जो अभी हमने बात करी. नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक सिस्टम कोलैप्स होता है तो उसके वजह से बाकी सिस्टम्स पे कोई असर नहीं पड़ता है. रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंस डिप्लॉयमेंट कैन बी डन इन फेजेस एंड हेंस कैन बी मैश विद बजट साइकिल्स, सिंस ऑल डिप्लॉयमेंट नीड टू बी डन एट वन गो, तो अपग्रेडेशन कैन बी डन इन फेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, बेरियर्स टू शेयरिंग डेटा, आप डेटा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको करना है तो आप सेंट्रलाइज अप्रोच में जाओ. Barriers to sharing other resources, including human resources. Inability to share resources other than data. आप resource share नहीं कर सकते क्योंकि decentralized approach है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे कोई और branch का data access नहीं कर पाऊंगी अगर decentralized approach हो. Duplication of effort, definitely. अगर same example Delhi जयपुर वाला, अगर यहाँ पे एक account already खुला हुआ है और जयपुर में जाके एक और account खुलवाना पड़ रहा है और उसके लिए आपको पूरा process फिर से करना पड़ रहा है, तो your efforts are getting duplicated. Lack of centralization control, centralized control नहीं है क्योंकि हर जगह पे अलग अलग काम चल रहा है, तो centralized एक supreme power नहीं है जो देख रही है चीज़ों को. Latency, because of distributed architecture there may be latency due to the amount of routing involved between distributed setups. IT components in a core banking solution, data center. अब हम अभी तक जो example ले रहे थे, हम ले रहे थे अपना banking system का example ले रहे थे. अब उस banking system में क्या क्या IT components हैं? अब अगर हम वैसे normally देखें तो किसी भी organization के जो IT components होते हैं data center के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो आईटी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखता है ना, कि अगर सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कितने हमें प्रिंट्स निकालने होते हैं, कितने हमारे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से पर पर्सन कितना प्रिंट चाहिए होता है डेली का, तो मैं कितने प्रिंटर रखूं, है ना. हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है ऐसी, हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि कितने लोग रखने हैं, जिस तरीके से कितने कंप्यूटर्स रखने हैं, कितने एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स रखने हैं,
और कितने वाईफाई लगवाने हैं. तो ये बेसिकली आपके जितने भी सॉफ्टवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर लगवाना है, अगर सॉफ्टवेयर लगवाना है तो उसके कितने लाइसेंस लेने हैं, वो सारी चीजें देखते हैं. तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखती है तो बैंक तो एक बहुत बड़े लेवल पे है, तो बैंक भी देखेगा. अब बैंक को जब देखना है कि मुझे कौन कौन से मतलब आईटी कंपोनेंट्स लगवाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला मोटिव क्या है कि मेरा क्लाइंट जो है, यानी कि जो मेरे बैंक के कस्टमर्स हैं, उनको कैसे इजी रहेगा कोई भी काम करने में. जैसे सपोज बैंक के कस्टमर्स चाहते हैं कि हम घर बैठे बैठे अमाउंट ट्रांसफर कर सकें, हम घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकें, हम रियल टाइम बैंकिंग कर सकें, हमें वेट ना करना पड़े. और क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर्ड हो, ऐसा ना हो कि कोई मेरा एटीएम कार्ड लेके भाग गया और वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल ले. तो अगर इस तरीके से मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी नहीं है, इवन मैं ये भी चाहूंगी कि मेरे अकाउंट में डबल सिक्योरिटी हो सकता है मैं चाहूँ कि मेरे पास एक पिन मैं डालूँ और फिर एक ओटीपी भी आए मेरे बैंक मेरे फोन पे. तो ये सिक्योरिटीज हैं कुछ, या फिर ये जो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें चीज़ें चाहिए. तो बैंक की यही नीड रहेगी कि बैंक जो है वो इमिडिएटली अच्छा. और हो सकता है कि मैं कोई अमाउंट मैंने विड्रॉ करा, मेरे अकाउंट से कोई अमाउंट विड्रॉ हुआ है या कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है और मुझे अगर मैसेज ही ना आए, तो या फिर इमिडिएटली मैसेज ना आए, लेट आ रहा है, 3 घंटे बाद मैसेज आ रहा है, तो उस 3 घंटे में तो जो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई चोरी हुई है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो रुक नहीं पाएगी अगर 3 घंटे लैप्स हो गए हैं. तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर डिमांड करते हैं. कस्टमर को सिक्योरिटी चाहिए, कस्टमर को रियल टाइम अपडेशन चाहिए अपने डेटा की. ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आईटी कंपोनेंट्स लगाए बैंक ने. वो आईटी कंपोनेंट्स क्या लगाए, उसके कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे लगाए. क्या आईटी कंपोनेंट्स हैं, वो है सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज, कि हमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी. अब बैंक ने सोचा कि मेरे कस्टमर्स को घर बैठे बैठे बैंकिंग करनी है, तो बैंक लेके आया क्या, एप्लीकेशन लेके आया ना मोबाइल बैंकिंग की. सिमिलरली बैंक को एटीएम जो है उसके लिए एप्लीकेशंस लेके आया, बैंक ईमेल करने के लिए एप्लीकेशंस लेके आया, बैंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए एप्लीकेशन लेके आया कि अगर कोई पर्सन बैंक में चला जाए और वो नॉन बैंकर, मतलब ही इज नॉट अ बैंक एम्प्लॉय, और वो बैंक में चला गया, तो वहाँ पे बैंक के जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसमें जाके अगर वो कुछ भी एंट्री कर दे, तो बैंक के सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए वो क्या लेके आए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेके आए ब्रांच के यूजर्स के लिए. सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके आए कि मैं पिन भी डालूंगी, आपके पास ओटीपी भी आएगा. उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, डाटा वेयर हाउस, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और भी बहुत सारे जो भी एप्लीकेशंस बैंक को लगा कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बैंक के एप्लीकेशन सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड हो गई. नेक्स्ट आया हमारे पास हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स. अब जब बैंक को अच्छा एटीएम वगैरह हमने देख लिया था, उसके बाद जब बैंक को अच्छा एक चीज रह गई इसमें कि जो बैंक के एप्लीकेशंस बने हैं वो सिर्फ कस्टमर्स के बेसिस पे नहीं बने हैं, बैंक को ना आउटसाइडर्स को भी डेटा देना पड़ता है जो कि बाय लॉ कंपल्सरी होता है उनके. अब बैंक को आरबीआई को भी रिपोर्टिंग करनी होती है, बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग करनी होती है. तो ये जो बैंक को रिपोर्टिंग्स करनी होती है या फिर बैंक के जो और इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से जो बैंक को एक्सटर्नल नेटवर्क पे डेटा शेयर करना पड़ता है, उसके भी सिक्योरिटी के लिए और उसकी शेयरिंग के लिए बैंक ने एक बहुत सिक्योर्ड नेटवर्क्स लाए हैं जो कि एप्लीकेशन नेटवर्क्स हैं. तो वो भी हमारे एप्लीकेशन सॉल्यूशन कंपोनेंट्स में कवर्ड हो जाते हैं. फिर आता है हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जैसे आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप क्या चाहते हो कि आप कोई अगर डेटा डालते हो तो वो इमीडिएटली आपका डेटा प्रोसेस हो जाए. आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो, इमीडिएटली हो जाए. तो सिमिलरली सिर्फ आप ही नहीं चाहते वो चीज़ और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं बैंक के, जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब चाहते हैं. तो सिंस देयर आर हाई लेवल हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो उसके लिए बैंक ने कोर बैंकिंग सर्वर्स बनाए हैं इन हाई अवेलेबिलिटी मोड. जो क्या बताता है, जो बताता है कि आपका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एक टाइम पे कितना हो सकता है, रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट, एंड दीज आर क्लस्टर्ड डेटाबेस सर्वर्स सेम इन हाई अवेलेबिलिटी मोड, वेब सर्वर्स, ईमेल, एंटीवायरस सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स फॉर अदर एप्लीकेशन. तो ये सारे हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट थे, क्योंकि बहुत
न्यूमेरस अमाउंट में ये सारा काम होता है. फिर हमारे पास नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कंपोनेंट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक टू मेंटेन सिक्योरिटी फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर बैंक ऑल्सो. इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द कस्टमर, फॉर बैंक ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट. तो कोर रूटर्स, कोर स्विचर्स, ISDN routers, Ethernet switch, encryption devices, ACS servers, ये सारे firewalls वगैरह, ये सारे जो है हमारे already chapter 3 में covered है. सिर्फ इनके नाम यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि bank जो है इन सारी चीज़ों को use कर सकता है to prevent the security of the system, to prevent the security of the banking system. Firewalls लगा सकता है, internet router, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम. एक एग्जाम्पल देती हूँ इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम का. क्या होता है कि अगर सपोज आपके सिस्टम पे कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो बैंक को लगता है कि ये एक्टिविटी जो है वो यूजुअली नहीं होती है, बहुत हिंदी में बोले तो कहेंगे संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ बैंक को लगता है कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है तो बैंक उस चीज को डिटेक्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम्स लगाता है, जिसके वजह से बैंक को लगता है कि, और ये बहुत डिटेल में आने वाला है चैप्टर 3 में, इसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं कि कैसे आप इंट्रूजन डिटेक्शन कर सकते हो एंड प्रोटेक्शन कर सकते हो. उसमें भी क्या होता है, एक तो होता है आप नॉर्मल सब कुछ चलता रहता है, और अगर बैंक को लगता है कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो, मतलब अगर सिस्टम को लगता है कि कुछ एबनॉर्मल होता है तो वो वहां पे पकड़ लेता है चीज को. और एक होता है कि वो हर चीज को रोक लगा देता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देता है कि सिर्फ यही चीज पास होगी इस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो पास होती है और बाकी सारी रुक जाती है. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगेन आई वुड से ये चैप्टर 3 का पार्ट है पूरा ही इनफैक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ नाम आ रहे हैं कि क्या क्या पार्ट है हमारे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कॉम्पोनेंट्स के, कि किन किन तरीकों से हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कर सकते हैं. फिर है हमारे पास एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स. अब ये जो आपने ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े इंक्लूडिंग योर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड योर एप्लीकेशन सॉल्यूशंस, तो ये सारे जो हैं आपके, ये सारे मैनेज भी होंगे और इनका मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सबको मैनेज करना, योर एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, सर्वर को मॉनिटर करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना, पैच को मॉनिटर करना. पैच मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर जैसे एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में अभी, वैसे हमारा पूरा जो चैप्टर 1 था ना बहुत बेसिक सा था, और जो डिटेल्ड में है ना वो सारा हमारा चैप्टर 2 और 3 में काफी डिटेल में है. तो पैच मैनेजमेंट में बता देती हूँ क्या होता है. पैच मैनेजमेंट होता है जैसे अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है और आपने उस सॉफ्टवेयर में जब आपने उसको रन करा तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम पता चली, तो जो वो प्रॉब्लम पता चली उसके लिए आपको पूरा सॉफ्टवेयर तो फिर से नहीं वो करना पड़ता ना. आपको क्या करते हो, आप उस पर्टिकुलर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है सिर्फ उस पर्टिकुलर उनकी जो कोडिंग होती है ना उसको चेंज करते हो. तो ये पैच, पर्टिकुलर पैच मैनेजमेंट होता है कि उस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करना, पार्ट को मैनेज करना. एसेट मैनेजमेंट, ये चीज ना हमारी उसमें भी आई थी, लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग में भी आई थी हमारी. एसेट मैनेजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, इंटरफेस टू हेल्प डेस्क मॉड्यूल. ये मतलब हमें नाम से भी वैसे क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें कि एप्लीकेशन मॉनिटर करना, सर्वर को मॉनिटर करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना, पैच मॉनिटर करना, एसेट फिक्स एसेट जो है बैंकिंग में उसको मैनेज करना, लॉकर्स को मेनटेन करना आ गया हमारा एसेट मैनेजमेंट में. सर्विस लेवल एग्रीमेंट को मैनेज करना कि हमारे क्या एग्रीमेंट्स हो रखे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ. चेंज मैनेजमेंट, हमें कोई जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, अगर कोई हमारा ऑलरेडी कोई कॉन्फिगर हो रखा है कोई चीज़, और उस कॉन्फिगरेशन की सॉफ्टवेयर्स में तो बहुत बार अपडेशंस आ जाती हैं, हार्डवेयर्स में भी रेगुलर अपडेशंस आती हैं अब तो, कि ये वाला मॉडल पुराना हो गया अब नया मॉडल आ गया. इंटरफेस टू हेल्प डेस्क मॉड्यूल, तो इन सभी चीज़ों में क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके रखना पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कोर बैंकिंग का जो हमारा सिस्टम है उसके कॉम्पोनेंट्स है बेसिकली ये. फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट, लास्ट कॉम्पोनेंट है ये हमारा, कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स आपको एक पर्टिकुलर बैंक के एनवायरमेंट में चाहिए, मतलब आपको बैंक के अंदर चाहिए फिजिकली, तो वो सारा है आपका एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट्स.
और ये सारे कंपोनेंट्स आपको चाहिए अपने आईटी कंपोनेंट्स के लिए, मतलब जैसे अगर आपको फिजिकल कंप्यूटर चाहिए, आपको फिजिकल वायरिंग चाहिए, आपको रैक्स चाहिए सर्वर रखने के लिए, नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए आपको केबल्स चाहिए, आपको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, आपको फायर सप्रेशन सिस्टम चाहिए, मोशन सेंसर्स चाहिए, बायोमेट्रिक कार्ड रीडर्स चाहिए, वीडियो कैमराज चाहिए, तो ये जितने भी हमारे यूपीएस है, पावर वाटर ऑप्टिक फायर केबल्स, रिडंडेंट एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इक्विपमेंट्स, डीजल स्टोरेज फॉर पावर बैकअप, ये सब अल्टीमेटली किस स्टेज में हेल्प कर रहे हैं हमको? हमको सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा जो बैंक का ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट करने के लिए बैंक ने ये चीजें लगाई। आईटी कंपोनेंट्स बैंक ने भी अपने उसी तरीके से सोच के लगाई जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सोच के लगाती है। तो बैंक के भी आईटी कंपोनेंट्स के हमारे 5 पार्ट हो गए। फिर है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ आईएएस कंपोनेंट्स। अब आपने सपोज अभी आजकल जो हमारा टेली का वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6.6.3। तो मुझे पता है कि वो 6.6.3 है, जब वो अपडेट होगा तो मुझे उसकी अपडेशन भी करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि 6.6.3 चल रहा है तो अगर सपोज नया आ भी गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मुझे, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ तो मैं चेंज कैसे करूँगी। अगर सपोज आप विंडोज 10 अभी यूज कर रहे हैं और अब विंडोज 11 आ रहा है मार्केट में, तो विंडोज 11 तक जाने के लिए मेरे को ये भी तो बताना चाहिए ना कि मैं विंडोज 10 यूज कर रही हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है, प्लस अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके विंडोज 10 में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर आपको पता ही नहीं है, मतलब आप जाके दिखाओगे कंप्यूटर वाले बंदे को तो उसको आप बताओगे आपका कौन सा कंप्यूटर है कुछ है तो पता ही नहीं है, उसको भी देखने से अगर पता ही ना चले कि कौन सा है तो कैसे चीज़ें क्लियर होंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली आपका जैसे अगर सपोज आपने एक कंपैटिबिलिटी होती है, एक पर्टिकुलर आपने सॉफ्टवेयर है आपने वो इंस्टॉल करा और आपके सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम पे चल ही नहीं रहा, तो हो सकता है आपके सिस्टम पे वो कॉन्फ़िगरेशन की कंपैटिबिलिटी ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन मैनेज करना ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छा, और ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है इसमें होगा क्या क्या, हम पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे सारे कॉम्पोनेंट्स की, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉम्पोनेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी फंक्शनल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी रखेंगे, पूरी डिटेल्स रखेंगे सबकी, सॉफ्टवेयर की भी और हार्डवेयर की भी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स की। इट हैज़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सबसे पहले अब आपको जब कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है तो आप मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, कौन सा अपडेट यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका लोकेशन क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है हार्डवेयर डिवाइस का, सारी चीज़ें जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग मतलब आपको देखना है कि कोई नया अपडेट तो नहीं आया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हमने अभी इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी वो सारी में। तो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल जो है, प्रोडक्ट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी मेंटेन ड्यू टू इवोल्यूशन चेंजेस जो होते हैं और द चेंजेस इन यूजर नीड्स। हो सकता है कि कोई उसमें चेंज ना आया हो बट मेरी रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया हो तो मुझे सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाना पड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई करी आइटम्स उसको मैनेज कर रहे हो अब आप, एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं, जो लॉगिंग आप करोगे उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको करनी है साथ में ही थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। मतलब बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कौन कौन सी आइटम्स कंट्रोल हो रही हैं, क्या प्रोसेस है उनके कंट्रोल का, वर्जन कंट्रोल, हु कंट्रोल दीज चेंजेस, सिग्नेचर वगैरह लोगे आप, इंश्योर दैट लेटेस्ट अप्रूव्ड वर्जन आर यूज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, अब जब आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कर लिया तो देन यू हैव टू डू स्टेटस रिपोर्टिंग।
सिटीज रिपोर्टिंग में आपको बताना होता है पूरा कि आपके क्या चेंजेस आप चाहते हो, मतलब क्या करंट सिटीज है, आप क्या चाहते हो, क्या कब क्या हुआ था, पूरी रिपोर्टिंग होती है उसमें. देन ऑन आर पार्ट इट इज द कॉन्फिगरेशन ऑडिट. हमें क्या चेक करना है कि जो सारे हमारे IS कंपोनेंट्स थे वो सारे करेक्टली आइडेंटिफाई हुए हैं कि नहीं हुए. बेसिकली आप बोलो पिछले तीन जो हमारे कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट के पार्ट थे वो ढंग से हुए हैं कि नहीं हुए, इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन ऑडिट. फिर आता है आपका हार्डनिंग ऑफ सिस्टम्स. हम इतनी देर से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा आता है हार्डनिंग ऑफ सिस्टम, मतलब हमें सिस्टम को सिक्योर करना है, मोर सिक्योर करना है, द कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स मोर सिक्योरली इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ सिस्टम्स. और क्या होता है, इससे प्रिवेंशन होती है अटैक्स और इंट्रूजन से. क्या स्टेप्स रहते हैं इसके, इसके स्टेप्स रहते हैं लेटेस्ट पैचेस, सर्विस पैक्स एंड होटफ्लिक्स शुड बी इंस्टॉल्ड. आपको देखना है लेटेस्ट पैच इंस्टॉल्ड है कि नहीं है. आप देख लो कि जो आपकी पैच की अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आती है कि नहीं आती. जैसे टेली में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि 6.6.4 आ गया तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है कि नेक्स्ट वर्जन इज अवेलेबल. कुछ एक मिनिमम पासवर्ड अपने तरफ से वो कर दो, गाइड कर दो कि आपको इससे अपने कंप्यूटर में सेट कर दिया आपने कि इससे कम नहीं हो सकते या सिस्टम पे. लॉगिंग मेंटेन करो, उससे भी एक सिक्योरिटी होती है. देन यू कंट्रोल विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो इंटरफेरेंस होता है वो बाकी चीज़ों का भी होता है अदर देन यू ऑल्सो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सिक्योर्ड पासवर्ड्स रखो. गेस्ट अकाउंट डिसेबल करो, अनयूज सर्विसेज को हटा दो. इंटरनेट कनेक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फायरवॉल यूज़ करो. कॉन्फिगर फाइल सिस्टम परमिशंस की कौन पर्सन कौन सी वो एक्सेस कर सकते हैं. जितनी हो सके इंपॉर्टेंट फाइल्स के ऊपर रीड ओनली कर दो. रजिस्ट्री परमिशंस लगाओ. सिक्योरिटी सूट लगाओ, पूरा का पूरा अप टू डेट होना चाहिए. सिक्योर वेब ब्राउजर होने चाहिए. इनक्रिप्टिंग डिवाइसेस यूज़ करो. स्क्रीन सेवर लगा दो कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कंप्यूटर में कोई काम नहीं हो रहा है थोड़े टाइम से, हो सकता है वो पर्सन उठ के कहीं चला गया हो बिना स्क्रीन बंद करे, तो स्क्रीन सेवर लगा दो कि ऑटोमेटिकली अगर 10 मिनट तक कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई काम नहीं हो रहा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बंद हो जाए, 5 मिनट में बंद हो जाए. डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की. फर्मवेयर पासवर्ड लगाओ. डिवाइस बूट करो. फिर उसके बाद हमारा आता है, ये सब हमने करा अल्टीमेटली और हमें पता चला कि हमें क्या करना है, सिक्योर करना है अपने नेटवर्क को, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को. क्या क्या रिस्क है इन डिप्लॉयमेंट ऑफ IS इंफ्रास्ट्रक्चर? इम्प्रॉपर डिजाइन. डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस कंसिडरेशन. अगर आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सपोज रोज के 5 या 10 प्रिंट्स निकलते हैं, अब अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा प्रिंटर लेके आ जाएंगे तो उस वो भी एक क्या है, वो रिस्क ही तो है. आप क्या कर रहे हो, आप इकोनॉमिकली वेस्ट कर रहे हैं. डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज, सिस्टम फेलियर, सिस्टम डैमेज, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये बहुत सारे ऐसे पुअर रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी ब्रीच, ये सारे हमारे वो हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे रिस्क हैं. और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम प्रॉपर साइट सेलेक्शन रखें, नेटवर्क सर्वर जोनिंग एक्सेट्रा पे रिडंडेंसी को रिमूव करें या एटलीस्ट रिड्यूस करें. रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, बैकअप प्रोसीजर्स सारे रखें, प्रॉपर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर्स फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सिक्योर्ड कनेक्शंस टू एक्सटर्नेट्स. आपकी अल्टीमेटली सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए. आप फायरवॉल लगा के रखो, IDS ध्यान रखो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम्स मॉनिटरिंग करो, ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक की. टेस्टेड एप्लीकेशंस को यूज़ करो, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी नई एप्लीकेशन यूज़ कर ली. EMS एंड मॉनिटरिंग. फिर उसके बाद हमारा है ऑडिटिंग IS इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑल्दो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा इसमें अभी कवर नहीं है ये पूरा टॉपिक, बट स्टिल देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या क्या है. ऑडिट में हमें चेक करना है कि क्या जो हार्डवेयर की जो लिस्ट है विथ कॉन्फिगरेशन अवेलेबल है, बनाई है आपने, जो हमने कॉन्फिगरेशन आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हार्डवेयर इन अकॉर्डेंस विद कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड लेवल्स ऑफ रिडंडेंसी. कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है. एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स फॉर हार्डवेयर. अब देखो आपने एनवायरमेंटली क्या कंट्रोल कर रहे हैं अपने हार्डवेयर के लिए. वेदर एक्टिव हार्डवेयर मेंटेनेंस इज देयर टू रिड्यूस डाउन टाइम.
test all infrastructure devices for compliance with all applicable policies, whether operating systems has been hardened, whether proper access controls are operational for operating systems, whether these are backup systems, hardware, software and data sets for disaster readiness. अल्टीमेटली आप देखोगे ना, ये पूरा चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़ी उन सबको चेक करना इज कवर्ड अंडर ऑडिटिंग आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो अगर हमने चैप्टर में देखा कि हमें फायरवॉल्स लगाने हैं, तो उन्होंने बोला कि आप चेक कर लो कि आपने फायरवॉल्स लगाए हैं. अगर हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमें हार्डवेयर की कॉन्फिगरेशन लिस्ट मेंटेन करनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एक हमारे पास लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम उनके क्या क्या कॉन्फिगरेशन हैं, तो क्या वो हो रहा है, क्या हम कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हम कॉन्फ़िगरेशन की स्टेटस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर रहे हैं, क्या हमने हार्डवेयर को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर्स को अपडेट करा है, अप टू डेट रखा है, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए हमने क्या रखा है, ये सारी चीजें चेक करनी है एज एन ऑडिटर हमको. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज. If you like the video, please click the like button. Don't forget to subscribe the channel for regular updates. Thanks a lot. Have a nice day.